हेलो दोस्तों नमस्कार, पेट ऑप्टेशन में का आपका स्वागत। आज ये जो मेडिसिन दिखा रहा हूँ ये के कैथरीन के लिए है। ये जो है जो मुर्गियों में, बकरियों में, भैंसों में जो भी स्किन पे जो भी कीड़े होते हैं उनके लिए है। ये डोज के हिसाब से आपको पानी मिला के उनको नहाना है। देखिए ये जो मेरा मुर्गी है इसको आँखों में देखिए, ये जब अंडे पर बैठा था तो ज़्यादातर उसी में प्रॉब्लम आता है। ये जो छोटे छोटे कीड़े लग गए हैं आँखों में, आँखों के पत्ते में, स्किन पर लग के खारे खून पी लेते हैं। हम जो भी खाना देते हैं उसमें जो भी खून बनता है ये पी लेते हैं। इसके शरीर में बहुत जगह पे ये है घाव जैसा हो जाता है, तो इसको क्या करना है, पानी में पूरी तरह नहा देना है, चारों तरफ हाथ लगा देना है, क्योंकि उनका जो स्किन है, जो पर है, वो पर के अंदर पानी नहीं जाता है, तो पर के थोड़ा हाथ इधर उधर हाथ लगा के उसको नहा देना है। इसी तरह नहा के ये जो काम करेंगे ये जब दोपहर में करेंगे, क्योंकि जब सुबह करेंगे तो आपको उनको ठंड लगेगा, वो सर्दी पकड़ लेगा। दोपहर में करेंगे तो ज़्यादा जल्दी वो सूख जाएंगे, उनको ठंड नहीं पकड़ेगा। इसी तरह दोनों तरफ पूंछ के तरफ, परों के तरफ, सारे तरफ हाथ लगा के उसको नहा देना है। थोड़ा आँख में बचा के ला देना है, जो भी कपड़ा एक लेके मुँह को साफ कर देना है उसमें। थोड़ा आँख में और मुँह में ये पानी नहीं जाना चाहिए। इसी तरह धूप में छोड़ देंगे तो वो अपने आप सूख जाएगा, उसमें कोई साइड इन्फेक्शन नहीं है। ये जितने भी मेरे सारे मुर्गी हैं जब भी बच्चे से निकले हैं, कुड़क में बैठे थे सब निकले, मैं सारे में जुए हो गए हैं, तो उनको मैं सारे नहा दे रहा हूँ। इसी तरह एक बड़ा सा बर्तन लेके उसमें पानी डाल के, आपका जो भी मेडिसिन लेंगे उसमें उसका बहुत ही वेराइटी आता है, जो भी आपके पास अवेलेबल होगा वो लेके उसको पानी में डाल के ऐसे बड़े बर्तन में पानी कर देना है, 4-5 लीटर के आसपास। उस पानी में उनको सारे को नहा देना है। दोपहर में करिए, अच्छा रहेगा। ये मेरे जितने भी मुर्गी थे, 8 नए मुर्गी और 3 मुर्गा, बड़ा मुर्गा, सब मैंने नहा दिया हूँ। छोटे बच्चों को मत नहाना, नहीं तो सर्दी पकड़ लेगा। और उनके लिए जो एक पाउडर आता है नोटिस का पाउडर, उसका मैं दूसरा वीडियो बना के छोड़ दूंगा। उस पाउडर को बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जहाँ पर है उसके स्किन पे डाल देना है, वो जो निकल जाएंगे। बाकी क्या करना है, ये जो पानी होगा इस पानी में एक छोटा सा प्लास्टिक के पानी पीने वाला जो बॉटल है उसमें डाल के उस इसको जो कैप में एक छेद कर देना है। आपको स्प्रे का कोई ज़रूरत नहीं, ऐसे तरह एक छेद करके इसको चारों तरह स्प्रे कर देना है। मेरा जो घर है जहाँ पर मैं मुर्गी रखता हूँ, क्योंकि ये स्क्रीन पे रहते हैं तो दीवार पे कहीं पर ये भी रह जाते हैं, तो हम तो नहा दिए उनके शरीर से चल गया, लेकिन जो घर है जहाँ पर रखते हैं वहाँ पर तो हैं, फिर आके वो बैठेंगे, इसलिए वहाँ पर भी आपसे आपको अच्छी तरह स्प्रे कर देना है। जहाँ पर आपका मुर्गी बैठता है, जहाँ पर कुड़क में बैठता है, यहाँ मेरा कुड़क में बैठा था, जो भी आपका जहाँ पर बैठते हैं वो साफ करके ये स्प्रे कर देना है। जो भी बालू फालू में, जो भी घास फूस में जो भी बैठा था आपको अंडे पे, वो सारे साफ करके उसमें स्प्रे कर देना है। स्प्रे कर देंगे तो वो तो शरीर से निकल जाएंगे नहाने के, अब अगर हम नहा दिए तो शरीर से निकल जाएंगे, यहाँ स्प्रे कर दें तो यहाँ से निकल जाएंगे, ये जुए जो है पूरी तरह ख़त्म हो जाएंगे और कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।